हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनेबल गेमिंग। और हम लोग आ चुके हैं हमारे एक और वीडियो के साथ, जो कि है 100 डेज सर्वाइवल इन आर्क मोबाइल। कुछ गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने ये सीरीज शुरू तो कर दी है, पर सोच रहे हैं अभी ख़त्म करें कैसे, क्योंकि भाई सोलो में 100 दिन अकेले इस पूरे आइलैंड में खराब और लगता है रे बाबा। तो गाइस, जिन्होंने अभी तक भाई थोड़ा सा अपनी हमारा लोनलीनेस कम करने के लिए जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करो, ठीक है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो फटाफट करके, सब्सक्राइब एंड लाइक हो जाना चाहिए, ठीक है लॉन्डो। और भाई सुबह हो चुकी है और डे 3 की शुरुआत हो चुकी है। हमको पकड़ना है पैट्रा, 70 लेवल का है, ठीक है, बढ़िया है। पर बात यह है कि इसको खिलाए क्या, क्योंकि इसके लिए नारकोटिक वारकोटिक कुछ भी नहीं है। एक काम करते हैं, हम ट्राई करते हैं रैप्टर को रपेटने के लिए, रपेट मारेंगे, ठीक है। उसके लिए हमको चाहिए बोला, और बोला चाहिए एंड साथ ही साथ ये थोड़ा सा और बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम तो सिर्फ 2 ही, 2 में अगर रपट गया तो रपट गया, बोला के बिना भी होगा नहीं। तो बोला के लिए आई थिंक क्या क्या चाहिए हमको, हाइट भी चाहिए। बोला के लिए हाइट तो है, फाइबर चाहिए, स्टोन चाहिए एंड थैज चाहिए। चलो कैसे फाइबर, स्टोन एंड थैज हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं फटाफट। हंटर केप के सामने एक है, हंटर केप के सामने जहाँ पर हमें मिल सकता है, और दूसरा है कि हमको नदी पार करके उस साइड जाना पड़ेगा। और चलिए फिर बोला बना लेते हैं और बो बना लेते हैं, क्योंकि अगर मेरे को ये ज़रूरत पड़ती है इन फ्यूचर कि बो में अगर नारकोटिक लगा के मैं मार सकता हूँ तो मैं मार देता हूँ, ठीक है। पर मुझे पता नहीं है कि मैं यहाँ पर मतलब नारकोटिक बना पाऊँगा कि नहीं। और रैप्टर ज़्यादातर मिलते हैं तो मतलब हंटर केव के गली में, जो मतलब जाने का जो रास्ता है और पानी के साइड है, वहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं, देखते हैं। और ये ट्राइक भी हम पकड़ सकते हैं, मगर ट्राइक का भी अभी अगर मैं पकड़ने जाऊँगा तो मेरे को उसके लिए पूरा का पूरा चीज़ बनाना पड़ेगा, जो मेरे पास नहीं है। अभी देखते हैं फिर मैं आगे क्या क्या पकड़ सकते हैं। सो अभी यहाँ पर रैप्टर तो कोई दिख नहीं रहा है मेरे को, वैसे यहाँ पर होते हैं एक दो, नहीं तो फिर मुझे पानी के साथ जाना पड़ेगा। पर मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर मैं हंटर केव तक आया हूँ तो क्यों ना हम लोग केव कर ले, और केव के अंदर जाके थोड़े बहुत डायनोस को पेल पाल के या उनसे डॉच करके सीधा सीधे निकल के भाई 8 एफ्रोट डालते हैं। तो चलिए गाइस, पहले हम लोग हंटर केव करते हैं। और यहाँ पर लेवल अप भी आ चुका है मेरा, और अच्छा खासा लेवल अप मिला है। ओके सो यहाँ पर पानी की कमी आ चुकी है, साथ ही साथ भाई यहाँ पर एक डेंजर नोट आया है कि बी अवेयर दैट केव इज़ डेंजरस फॉर मी टू हैंडल इट। अरे डरे हैं कि भाई, अच्छे अच्छे को पेल देंगे हम लोग यहाँ पर, इसको पता नहीं हमारे बारे में। भाई बताओ कोई इसकी हंटर केव वालों को कि हम भाई अच्छे अच्छे से पिट के, नहीं सॉरी, अच्छे अच्छे को पेल के आ जाएंगे, पिट के खा जाएंगे, क्या बोल रहा हूँ मैं। तो गाइज यहाँ पर अभी हम लोग, हर कोई करता है भाई, हर कोई है, बच्चों वाला काम है ना, हर कोई करता है भाई। हम लोग सीधा जाएंगे, दौड़ दौड़ के माल उठाएंगे, सामान उठाएंगे, हंटर केव का ट्रिब्यूट उठाएंगे और भाग के आ जाएंगे। पानी की कमी हो चुकी है, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर भाई बहुत जल्दी अनकॉन्शियस होने का चांसेस है। और यहाँ पर भाई सब मेरा फेवरेट भाई डाइनो, जो कि है सांप, घटिया साला, मैं कभी इसको ना पकड़ूँ, इसके फंस फंस से मेरे को ऐसे मतलब एलर्जी जैसे। ओ भाई आर्थ्रोपोडर, भाई क्या किस्मत है भाई, इस जगह पे आर्थ्रोपोडर सीधा मिल गया है, जहाँ पर भाई होता नहीं है, मिलता नहीं है, मुश्किल है, बहुत कम चांसेस है आर्थ्रोपोडर रहने का अंदर के साइड पे, और यहाँ पर आर्थ्रोपोडर है भाई, बाहर के साइड भी नहीं है। तो इसको थोड़ा सा इधर खींच के लाते हैं और फटाफट कर, आई पड़ गई भाई, पड़ गई, पड़ गई भाई, जोर से पड़ी है, फटाफट करके आर्टिफैक्ट उठाते हैं। और अभी और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मेरे को पड़ी है उस आर्थ्रोपोडर की भाई पॉइजन वाली शॉट। तो भाई अभी निकलते हैं फटाफट करके, और स्टेमिना भी यहाँ पर कम हो जा रहा है, थोड़ा स्टेमिना गेन करते हैं। ये फिर पीछे आ रहा है भाई, तू नहीं आ सकता यहाँ से, चल निकल 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 निकल, तू नहीं आ सकता, तू नहीं आ सकता, निकल यहाँ से। चलो भाई हम भी निकलते हैं यहाँ से, ज़्यादातर केब में नहीं रहेंगे वरना यहीं पर बेहोश हो जाएंगे। और पूरा पानी वाला मार्क देख रहे हैं आप लोग, रेड हो चुका है, प्यास लगी है, पानी में मैं गिर सकता हूँ, मगर पर यहाँ पर अभी कॉम्प्लिकेशन बढ़ा के फ़ायदा नहीं है कि भाई पानी में गिरा और वहाँ से और 3-4 डाइनों ने पकड़ लिया। सीधा यहाँ से बाहर निकलते हैं और सामने नदी मिलेगी, नदी में जाकर पानी पियेंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और गाइज अगर आप लोगों को ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए ना भाई, मैंने इंस्टीट्यूट खोला है, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्क, आप लोग आ सकते हो, मेरे से ट्रेनिंग ले सकते हो, ठीक है। पूरा भाई 150 रुपये लेगा मैं, और मैं पूरा सिखा देगा आप लोगों को कि कैसे करके आपको आर्क खेलना है, ठीक है, एकदम प्रो बना के भेजेगा आप लोगों को। तो चलिए गाइज यहाँ पर हम लोग बाहर तो आ गए हैं, और सामने एक थेरी है, ठीक है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे ही है, मैं थोड़ा सा राइट साइड कट मार के आराम से पानी पिएगा, और यहाँ पर रैप्टर मिलने के चांसेस है।
कोशिश करता हूँ एक ही बार में पूरा टास्क कंप्लीट करने के लिए, और कोशिश करते हैं कि रैप्टर पकड़ने के लिए। मेरा बेड वैसे तो बहुत दूर है, मगर यहाँ पर अगर मैंने अभी रैप्टर पकड़ा, कम लेवल के पकड़ूंगा, क्योंकि मुझे एक रैप्टर चाहिए जिससे मुझे हाइट मिले, मैं एक बेड बना सकूँ परमानेंट बेड, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि स्लीपिंग बैग में ज़्यादा देर मैं ट्रेलीपोर्ट सॉरी मतलब मैं इधर से उधर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, टेलीपोर्ट नहीं हो सकता, तो इसलिए सामने एक रैप्टर दिख रहा है। आ जा बेटा, आ जा आ जा आ जा आ जा, अब मैं दिखाता हूँ तेरे को। अरे 70 लेवल का है भाई, यूं यूं मार देंगे, अब निकालो बल्ला, मार इसके सिर पे बल्ला भाई। अभी इसको हम लोग यहीं पे भाई ढेर कर देंगे, आप लोग देख रहे हैं ये एकदम एकदम मतलब लेट जाएगा भाई, एकदम सो जाएगा, इसको 2 कदम भी हिलने का मौका नहीं मिलेगा, एकदम अनकॉन्शियस हो जाएगा। और भाई उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एक रैप्टर, रंगीला रैप्टर, जिससे हम लोग भाई तबाही मचा देंगे पूरे 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 सोलो में। ठीक है, मैं थक गया हूँ, मेरा बैट भी टूटने का मार्क आ चुका है, लगभग एकदम आ गया भाई। और ये भाई माफ कर दे भाई, गलती होगी भाई, छोड़ दे, हेलो छोड़ दे, हेलो हेलो छोड़ दे। गाइस ये होता रहता है ऐसे, छोटी मोटी बात है भाई, इतना भी कोई मुश्किल बात नहीं है, हम फिर से स्पॉन होंगे, फिर से पहुंचेंगे वहां पर, ऐसा कोई मतलब ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। ये मैं आप लोगों को दिखा रहा था कि अगर आप रैप्टर पकड़ने जाओ ना, और अगर आप ऐसे करके मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे करके फंस जाओ तो आपको क्या करना चाहिए, मैं वो सिचुएशन आपको दिखा रहा था। अब देखो हम फिर से उसको जाएंगे, उसके पास यूँ पकड़ लेंगे आपको, तुम आप चिंता मत करो, बस अभी पानी नदी पार कर लेंगे, उसके बाद देखो भाई। ओ भाई, ओ हेलो हेलो हेलो, ये कहाँ से है? ओ भाई निकलो निकलो भाई, निकल 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 निकल, ये कहाँ से आ गया? हेलो भाई, मैं अभी जस्ट मर के वापस आया शार्को भाई, थोड़ा थोड़ा सा वेट कर लो भाई, मैं पहले रैप्टर से निपट लूँ, फिर मैं आपसे बात करेगा आराम से, मैं आएगा आपसे बात करेगा, अभी मैं बाद में मिलता है। सामने कार्नो है भाई, भाई ये क्या चल रहा है, यहाँ पर कार्नो है, वहाँ पर रैप्टर, इधर शार्को। भाई ये साउथ ईजी जोन है कि मजाक है भाई? ये आर्क का क्या आजकल नया नया रूल निकल रहा है क्या, सब कुछ चेंज चेंज हो जा रहा है क्या? मतलब ये स्पाइनो भी है भाई, नदी में स्पाइनो भी है? नहीं, सारे यहीं पे ला दो सबको, मतलब आर्क वालों को पता है क्या मैं यहीं पे रह रहा हूँ अभी? आओ यहीं पे आ जाओ सबके सब, सारे मिलके फाइट करते हैं एक साथ, सारे मिलकर रहेंगे, सब मिल बांट के मेरे को ही खाना रोज, मैं हर बार स्पॉन होगा, हर बार मुझे ही चीर फाड़ के खा लेना। अजीब है, ऊपर भाई फिर रैप्टर फाइट कर रहे हैं, नीचे रैप्टर पहरेदारी कर रहा है, इसको निकल जाना चाहिए था मेरा यहाँ से बॉडी से, पर ये तो भाई अभी बोल रहा कि भाई तू आ जा। लो भाई स्पाइनो की कमी थी, भाई स्पाइनो भी आ चुका है गाइस। और गाइस आप लोगों को और क्या चाहिए, यहीं पर फुल एंटरटेनमेंट है, ये देखो ना। अब मैं क्या करूँ भाई, मैं वही सोच रहा हूँ, मतलब मुझे तो चाहिए मेरा क्रेट, क्योंकि उसमें आर्ट इफेक्ट है भाई, आर्ट इफेक्ट मेरे को चाहिए। ठीक है ओके, अभी मेरे को भाई नेक्स्ट मैं मतलब सोचो मैं करूँ क्या। ओके चलिए, यहाँ पर जो है हमारे को मिला है पैरासोरस भाई, एक काम करते हैं, इस पैरासोरस को ना आर रैप्टर की तरफ, चल 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 चल, उस साइड जाओ, उस साइड, उस साइड भागो, उस साइड थोड़ा एंगल करके भगाते, अरे इस साइड नहीं, इस साइड नहीं, थोड़ा सा उस साइड जाना पड़ेगा, थोड़ा सा उस साइड जाओ भाई, थोड़ा सा उस साइड निकल भाई, स्पाइनो के सामने गिर गया। चलो स्पाइनो तो, स्पाइनो तो अपनी तरफ भागता रहता है, चलो रैप्टर वहाँ पर है भाई, ऐसा भी लग रहा है कि रैप्टर मेरे को देख लिया भाई। भाई बैग लेने दे दे भाई मेरे को, भाई ऐसा ना कर भाई, बैग लेने दे। चलो भाई वो भाई भाई लिस्ट सोरस के साथ लग चुका है, हाँ हम आराम से भाई अभी अपना बैग ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, साइड से निकल जाएंगे। बैग 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 उठ जा भाई, ऑप्शन क्यों, सामने से क्या रहा है भाई, एक और रैप्टर भाई, कितने रैप्टर है यहाँ पर? हेलो यार सामने थेरी, यहाँ पर रैप्टर, चलो स्पॉन हो जाते हैं। इस बार आई थिंक साउथ जोन के बैक साइड पे दिया है, ओके केव के राइट हैंड साइड पे दिया है, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे थे इतने देर। चलिए पहुंच चुके हैं अपने इसके पास, और सामने आई थिंक कोई है तो नहीं, ट्राइक के पास सब गए हैं, ट्राइक को मारने के लिए आराम से मैं ले सकता हूँ। ये क्या उन्हें पिटाना, अरे यार कोई तो जिंदा रहने दिया करो यार। ओके बैग यहाँ पर उठा लिया है हमने, चलिए चलिए बैग मिल गया। पीछे से रैप्टर का फुटस्टेप आ रहा है भाई, भाई 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 भाई, अभी के लिए छोड़ दे मेरे भाई, मेरे भाई छोड़ दे भाई, हेलो हेलो छोड़ दे, छोड़ दे भाई, उधर थेरी है भाई, निकल जाने दे भाई, निकल जाने दे प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, गलती से मैं इधर आ चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा माफ़ी माफ़ी दे दे। हेलो 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 हेलो, अरे भाई बोला निकल, बोला निकल, बोला निकल भाई, खत्म भाई, बोला क्यों नहीं निकला भाई, बोला क्यों नहीं निकला भाई, जब बोला निकालना चाहिए, जब फेंकना चाहिए तब फेंकता नहीं है, ये क्या कैरेक्टर है मेरा भाई। हेलो भाई हाथ में तेल फेल लगा लिया कर, थोड़ा सा काम ढंग से कर लिया कर, क्या कर रहा है भाई ये, ऐसे 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 सर्वाइवर बनेगा भाई। चलो फिर से आ गया हूँ मैं, ये तीसरा अटैम्प्ट है मेरा, निकलते हैं। ठीक है सब कुछ मिल चुका है, बस आराम से दौड़ दौड़ के जाना है, पर मैं डेंजर जोन में हूँ और कोई पेल रहा है मेरे को, ये कौन है भाई, थेरी
अरे भाई कोई तो छोड़ दो यार, सारे मिलके मारोगे क्या आज? भाई सब ने डिसाइड कर लिया क्या, सब मिलके मारोगे? मतलब एक बार रैप्टर मार रहा है, एक बार थेरी मार रहा है, एक बार भाई यहाँ पर देखो भाई बीकन ही बीकन दिख रहे हैं भाई। ये देखो रैप्टर और भाई थेरी की फाइट हो गई है, कौन जीतेगा पता नहीं। और यहाँ पर भाई थेरी जीत चुके हैं, और यहाँ पर हैवी वेट चैम्पियनशिप हमारे जीत चुके हैं यहाँ पर थेरी। थेरी बस मेरे को आराम से सामान ले जाने दे दे भाई, और कुछ नहीं करना, बस सामान मैं ले चले जाऊँ, कुछ नहीं चाहिए, बस सामान लेके जाऊँगा सामने, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भाई यहाँ पर देखिए मैं रास्ता, भाई स्पाइनो को भी यहीं पर आना था, स्पाइनो को भी यहाँ पर आना था। भाई चलिए मैं नदी नदी पार कर लेता हूँ, उसके बाद भाई स्पाइनो बाद में मिलते तेरे साथ, मैं नदी पार कर लेता हूँ। और गाइस मैं एक काम करता हूँ, मैं चुपचाप कुछ नहीं करूँगा, चुपचाप यहाँ से ना निकलना है मेरे को, मैं रास्ता ढूंढता हूँ कहाँ से निकलना है। भाई तीन तीन रैप्टर, भाई ये मजाक हो रहा है क्या? सारे चार रैप्टर, हेलो सारे रैप्टर इधर जा रहे हैं। हाँ तू इधर आ जा, मैं इधर खड़ा हूँ भाई, इधर 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 आ, इधर आ, मार इधर, मार इधर, मार आ जा, तू भी इधर ही आ जा। हाँ और कौन आएगा? ओ वाह 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 वाह, तू भी आ जा, फ्लाइंग डिस्क होके आ जा भाई, सीधा मेरे मेरे छाती पे कूद जा भाई, ख़त्म कर दे काम। भाई मैं निकल रहा हूँ भाई, मैं नहीं रुकने वाला कहीं पे भी, बात ख़त्म। और ये किसका अंडा है भाई, वो सुंदर देखने में लग रहा है, अंडा चोर में हम एक्सपर्ट है भाई, अंडा तो चोरी करना बनता है अपना भाई, अंडा चोरी करना बनता है। तो चलिए गाइस अंडा यहाँ पर चोरी कर लिया है, अब एक काम करता हूँ मैं सीधा का सीधा बेस की तरफ जाता हूँ, रात होने वाली है। हाँ तीसरा दिन ख़त्म करते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी जाकर सोने जाते हैं भाई, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भाई बेस के पास पहुँच गया हूँ, मड़ मुड़ा के पहुँचा हूँ, कॉम्पी बीच में पड़ गई थी मेरे, और कॉम्पी ने भाई बहुत फैला आके, एक एक करके 6 कॉम्पी थी भाई, एक एक करके चुम्मा दे दे के ये हालत कर दी है मेरी। वो तो मैं कैसे भी करके भाग गया हूँ, मतलब कैसे भी करके बेस के पास पहुँच गया हूँ आराम से, रात होने वाली है। चलो मैं यहाँ पर भाई थोड़ा सा फूड खा लेता हूँ, कुछ गर्म कर लेता हूँ, और भाई बच गया भाई, कैसे भी करके हो 5-6 बार मरा हूँ उसमें आ गया। ये देखो ये एक कॉम्पी मरी पड़ी है, देख रहे हो गाइस, इन दोनों ने मिलकर भाग बटोरा करके कॉम्पी को मारा है, बहुत बढ़िया भाई। चलो यहाँ पर कॉम्पी भी मर चुका है, और यहाँ पर थोड़ा सा और मीट मुझे मिल गया, थोड़ा सा हाइड मिल गया, और यहाँ पर थोड़ा सा इनग्राम ओपन कर लेते हैं अपना, सब कुछ ठीक ठाक। कौन मार रहा है? हेलो हेलो, क्यों भाई तू क्यों मार रहा है, तेरे को क्या हो गया? हेलो मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? हेलो हेलो तेरा क्या बिगाड़ा है मैंने? भाई तू क्यों मार रहा है भाई, ये क्यों मारने आया है मेरे को, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये क्यों मारने के लिए आया है, इसको क्या हो गया, ये अचानक से क्यों मारने लग गया? भाई बताएगा क्या हो गया तेरे को, तेरे को छेड़ा भी मैंने नहीं, तूने क्यों, तू क्यों मार रहा है यहाँ पर? हेलो भाई मारी दिया इसने तो, पर ये क्यों मुझे मारने के लिए आया था? ओ भाई उसका अंडा चुराया था मैंने, अब याद आया मेरे को, भाई अंडा चुराया था बोल के वहाँ से यहाँ पर मारने के लिए आया। हेलो भाई इतना दूर, भाई क्या अपना कांटेक्ट उठा के रखा है क्या? तो भाई यहाँ पर भाई देखो सार को भी आ चुके हैं मारने के लिए, क्या बात है भाई, मतलब स्पॉन होने ही ना दो तुम लोग मेरे को, मतलब इज्जत से स्पॉन मार दे भाई, मार दे, आज अपनी किस्मत ख़राब है भाई, आज अब तो डेथ डे, इसको मैं डेथ डे करके घोषित करता हूँ, तीसरा दिन इज़ अ डेथ डे। वाह भाई कौन भाई शार्कों के पास स्पॉन करता है फिर से? हेलो आर्क वालों, वहाँ पर शार्क था, मैं जस्ट मरा हूँ वहाँ पर, वहीं पे स्पॉन करना ज़रूरी है, मैं पानी में क्यों जा रहा हूँ? वाह भाई वाह, ये भाई ये यही बाकी रह जाता है, और कुछ नहीं बाकी रह जाता भाई, भाई पानी में दे रहे हैं भाई, कभी भाई शार्कों शार्कों के गोदी में दे रहे हैं भाई, गोदी में दे दे, नहीं नहीं भाई यही कर ले भाई, तुम लोग गोदी में दे दो, अब क्या चाहते क्या हो तुम लोग भाई, जीने दोगे? 100 दिन ऐसे करके जीऊँगा मैं? भाई पूरा दिन मार खाया हूँ मैं, पूरा दिन मार खाया हूँ, डे 3 नहीं था मेरे मेरे मतलब कुछ और ही था भाई, आर्क में पूरा दिन मार खाया हूँ, रैप्टर ने मारा, थेरी ने मारा, ठीक है मधुमक्खी मच्छर सब ने मारा, हाँ शार्कों ने मारा, कोई नहीं छोड़ रहा भाई, सब मार रहे हैं, सब सब के सब मार रहे हैं। सो गाइज यहाँ पर देखिए अभी मेरे को 2 नोट मिले, साउथ ईस्ट दोनों पीछे की साइड होता है आप लोगों को पता ही है, दोनों के दोनों मैंने ऑन कर लिए, मतलब दोनों के दोनों मैंने ले लिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पर भाई एक फ़ायदा ये हो गया है कि मेरा लेवल अप भाई बढ़ेगा जस्ट फट से, क्योंकि भाई 2x चल रहा है, अब मैं जितना जल्दी मतलब ग्राइंडिंग करूँगा, साथ ही साथ ग्राइंडिंग के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर अभी चीज़ें बनाता हूँ और तोड़ देता हूँ तो ज़्यादा फायदा है, तोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा बिकॉज इट्स हार्ड कोर हार्ड, तो यहाँ पर तोड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है, रद्दी भर का चीज़ नहीं मिलता तोड़ने से, सामान अगर तोड़ भी दिया ना कुछ नहीं वापस मिलने वाला, तो तुम बनाओ
ठीक है, जितना तुम बनाओगे, जितना तुम ये क्राफ्ट करोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारा एक्सपी बढ़ेगा, इसका रूल यही है। तो अभी भाई Day 4 हो चुका है, सोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही गुड मॉर्निंग कर देता हूँ। ये देखिए हमारा पीछे बगल में ही भाई वो टर्टल्स घूम रहा है, ये मेरी बॉडी गिरी हुई है क्योंकि तो टर्टल्स है, खाता कुछ नहीं, बस थोक के चला जाता, वापस पानी में वापस चला जा रहा है, बोल रहा है भाई मेरा इतना ही काम था, तेरे को ठेलना था, तेरे को ठेल दिया, अब मैं वापस जा रहा हूँ। ठीक है, मेरे भाई डोडो और मेरा लिस्टोसॉरस दोनों मर चुके हैं, तो हम अभी Day 4 में क्या करने वाले हैं, हम यहाँ से अपनी जर्नी शुरू करने वाले हैं टूवर्ड्स रेडवुड ऑब्लिक। ठीक है, सॉरी रेडवुड ऑब्लिक क्या भाई, रेड ऑब्लिक, रेडवुड फॉरेस्ट बोलने वाला था, तो रेड ऑब्लिक की तरफ हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ टूट गया है, सब कुछ खत्म हो चुका है, तो अभी हम लोग बस अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ से खाना खाना लेके सीधा जाएंगे, जितना हो सके रेड ऑब्लिक के बगल में जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पर उस बीच में जितने भी नोट मिलते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, उसके बीच में अभी भी मेरे को 5 नोट मिलेंगे, वो पांचों के पांचों नोट मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ कहाँ रहते हैं, 5 तो नहीं, मैं 4 नोट तो आपको दिखाई दूंगा कि कहाँ कहाँ रहेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो मतलब ये समझ रहे हो ना, मतलब सर्वाइव करने का तरीका वो बहुत ही मुश्किल हो रहा है। शायद बहुत लोग कहेंगे नूब, यस आई एम नूब, बट यहाँ पर भाई सर्वाइव करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ही है भाई। यहाँ पर जितनी आसानी तरीके से आप किसी भी डायनो को बेहोश कर दोगे वो नहीं होगा, और किसी भी मतलब उम्मीद में मत रहना कि यहाँ पर जादू टोटका टोना चलेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ फायदे नहीं है, सोलो में एकदम पूरा सोलो है, ना कोई सर्वर ना कुछ, पूरा का पूरा सोलो है। तो अभी चलते हैं, शुरू करते हैं भाई, सामान वामान तो सब जुगाड़ कर लिया, अब चलते हैं अपने, रवाना देते हैं अपनी जगह पर। और गाइज मुझे नहीं पता भाई यहाँ से रेड ऑब्लिक तक की जर्नी में कितना मार पड़ेगी मेरे को, कितना मैं मार खाऊंगा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, पर मैं जितना भी मार खाऊंगा भाई सब आपको दिखने वाला है, और सब भाई दिल खुश होके एकदम मतलब RIP लिख सकते हो इन कमेंट सेक्शन। तो भाई भूलना मत, कमेंट सेक्शन में जाके फटाफट फटाफट करके भाई जो लिखना है, मतलब RIP लिखना है लिखो, इस में मेरे को टिप्स देना है तो टिप्स दे दो, ठीक है, पर कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो भाई, कमेंट चाहिए, कमेंट करो यार जल्दी जल्दी, या तो लाइक ठोक दो यार, इतनी इतनी मुश्किल से दिख रहे हो, इतना मार खाने के बाद एक वीडियो बनती है भाई, कितनी मुश्किल है पता है इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर मेरे को एक नोट मिल चुका है और मैंने इसको कर दिया है, थोड़ा सा ऑडियो का इशू चल रहा है मेरे इसमें, मैं इतना आपको बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ना मतलब विजुअल विजुअल एंड ऑडियो थोड़ा आगे पीछे चल रहा है, रिकॉर्डिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, पर कोई बात नहीं, इस वाले ही एपिसोड में आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, इसके बाद नहीं होगा। तो चलिए, अभी सबसे बड़ा मुश्किल का चीज़ है कि मेरे को यहाँ से ना ये नदी पार करनी है, ये बहुत जो समुद्र के साथ टच हो रहा है और ये बहुत ही मुश्किल है भाई गाइस, ये इतना आसान नहीं है। तो चलिए देखते हैं कैसे करके हम लोग ये नदी पार कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ना मुश्किल चीज़ है भाई, यहाँ पर थोड़ा सा ना पिराना भी बहुत ज़्यादा है, सामने आई थिंक बेरोक्स घूम रहा था मैंने देखा, पता नहीं अभी मतलब मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं, ये जहाँ तहाँ सेव हो जाता है भाई। ये लो भाई पिराना आ चुकी है, आ गए भाई, आ जाओ सारे मिलके मारो, 2 3 4 5 6 मारो मारो मिलके मारो, कोई कसर मत छोड़ो भाई, कोई कसर मत छोड़ो भाई, खत्म खत्म करो, खत्म करो जल्दी जल्दी खत्म करो। तो इसी के साथ भाई यहाँ पर भाई एक और मौत हो चुकी है, Day 4 का पहला पहला डेथ। ठीक है, Day 4 Death Number 1, काउंट करते रहते हैं कितनी बार मरेंगे, क्योंकि इसके बाद आई थिंक फिर से हम लोग कोशिश करने जाएंगे जब लेने के लिए, फिर मरने वाले हैं। तो चलिए अभी फिर से हम नदी के इस पार आ चुके हैं, फटाफट करके सामान उठा लेते हैं, अभी तो कोई दिख नहीं रहा है, आई होप पिराना भी उस साइड है, मैं इस बीच में एक और पिराना के हाथ से मरा हूँ, सामान लेके वापस जा रहा था, यहाँ पर से सामान मिल चुका है, निकलते हैं और आराम से निकल सकते हैं। ये कौन आया भाई, कौन मर रहा है पीछे से, हेलो 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 हेलो, छोड़ दे भाई छोड़ दे, ओ भाई बेडोक्स आ गया भाई, बेडोक्स आ गया भाई, भाई छोड़ दे भाई, क्या कर रहा है भाई, हेलो ये सारे भाई क्या आज मतलब बहुत दिन के बाद, एक ऐसा लग रहा है क्या मतलब बहुत दिन के बाद आया एक बंदा भाई, इसको पकड़ते हैं, चलो चलो चलो, क्या कर रहे हो भाई, नहीं भाई छोड़ दो भाई, कि भाई माफ़ी दे दो भाई, माफ़ी दे दो। तो भाई यहाँ पर हम लोग अभी टोटली एक कॉर्नर पे स्पॉन हो रहे हैं, ठीक है, नदी के उस पार नहीं, इस पार स्पॉन हो रहे हैं, मगर छुप छुपा के लेना पड़ेगा हमको ये हमारा बैग, क्योंकि देखिए वो सामने बैरोक्स घूम रहा है, देख रहे हो आप लोग, अब ये बैरोक्स थोड़ा सा साइड होगा, उसके बाद ही मैं ले सकता हूँ। तो चलिए बैरोक्स उस साइड चला गया, मैं फटाफट करके उठाता हूँ, उठा के लेकर आता हूँ, मैंने अभी तक अपने आप में एनग्राम में और किसी भी चीज़ में लेवल अप नहीं दिया, शिट
भाई 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 फिर से पढ़ने लगी भाई, फिर से पढ़ने लगी। पिटाना छोड़ दे छोड़ दे, पिटाना छोड़ दे छोड़ दे भाई, छोड़ दे, मत मार मत मार। तो चाहे गाइस चलिए, यहाँ पर हम लोग ने बैग तो उठा लिया और यहाँ पर मिल गया आर्टिफैक्ट। ये एकदम रूइंस है, एक जंगल के बीच में मिलता है, मतलब ऐसे वुड एंड बांस बांस के बगान के बीच में मिलता है। ये बांस का ही बगान है, ठीक है, इसके बीच में मिलेगा आपको। और ये है वो जगह जहाँ पर आपका स्वम्प रिवर कनेक्ट होता है, ठीक है, या आपका इसके बाद वाले जगह पे आपका मिलने वाला है जो वो है रेड ऑब्लिक, ठीक है। और ये एक और आर्टिफैक्ट मिल चुका है यहाँ पर, क्या बात है भाई, दो दो आर्टिफैक्ट मिल चुके हैं एक ही जगह पे। तो यहाँ पर दो आर्टिफैक्ट मिलते हैं, दो रूइंस बने हुए हैं और यहाँ पर क्राफ्टिंग करना है मेरे को। तो यहाँ पर कुछ वुड मैं काट लेता हूँ, क्राफ्टिंग का रेडी कर लेते हैं और यहाँ से सीधा हम लोग पहुँचेंगे और सीधा जाएंगे मेरे एक और फेवरेट जगह पे। मेरा फेवरेट जगह दो ही है, एक है रेड ऑब्लिक के बगल में और एक है ये वाली जगह पूरे मैप में। ये दो जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि क्योंकि ये दोनों जगह पे ना शांति है भाई, ज़्यादा डायनो घूम नहीं करते, सिर्फ डिलोफोसोरस घूमते हैं पर ज़्यादा नहीं। तो अभी मैं अपने पहले फेवरेट जगह पे ही जाऊँगा जो आप लोगों को दिखाऊंगा। ये एक छोटा सा ना पत्थरों के चट्टानों के बीच में है और बीच में एक बहुत ही सुंदर सा पेड़ है और बहुत ही सुंदर सा एक और आर्टिफैक्ट वाली जगह है। तो ये मेरा फेवरेट जगह है, अगर किसी को मैप में ये वाला जगह पसंद आता है तो देखना जरूर, ट्राई करना। बहुत स्टोन मिलते हैं यहाँ पर और बहुत सिक्योर है आपके लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, मज़ेदार जगह है, अगर आप लोग ट्राई करो तो ये वाली जगह। तो ये रहा वो जगह, हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पर एक और नोट मुझे मिलेगा, एक और यहाँ पर एक और ये है। अबे जुबा केसरी, हट जा भाई, हट जा हट जा, हो गया हो गया हो गया, ठीक है। तो यहाँ से सीधा चलते हैं, एक और आर्टिफैक्ट लेते हैं, लेवल अप करना है भाई। आप लोगों को एक और चीज़ मैं बता दूँ, अगर आपने एक बार अगर आपने उस कैरेक्टर का, मतलब समझो ये कैरेक्टर ने जो जो एक्सपीरियंस नोट गेन किया, अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरे सारे एक्सपीरियंस नोट चले जाएंगे, मैं उसको दोबारा ओपन नहीं कर पाऊंगा पर सारे एक्सपीरियंस नोट चले जाएंगे। तो यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं अपने बेस का बनाना, क्योंकि यहाँ से हम लोग जाएंगे अपने रेड ऑब्लिक अगले वाले एपिसोड में और यहाँ पर हम लोग अपने बेस का सब कुछ रेडी कर देते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने थैच के बेस फाउंडेशन बनाना शुरू कर दिया है, ठीक है। वैसे मैं वुड की बना सकता हूँ, स्टोन की बना सकता हूँ, मगर इनिशियल स्टेज में मैं यही बोलूँगा कि थैच का ही बनाना ज़्यादा इजी, क्योंकि मुझे पता नहीं मैं कितने देर तक मैं टिक पाऊँगा फिर से और कब मर जाऊँगा। तो मेरा जो भी मैं क्राफ्टिंग करूँगा वो फालतू का बेकार जाएगा, ठीक है। और लेवल अप फिर से हो चुका है, आप लोग जैसे कि देख चुके हो, जितना मैं ज़्यादा क्राफ्टिंग करूँगा उतना ज़्यादा ही मेरा लेवल अप होगा, इसका यही फंडा है। तो इसी के साथ मेरे टोटल मिला के आप लोग देख सकते हो मेरा 16 हो चुके हैं। और गाइस 16 जो लेवल आए हैं भाई, ये बहुत ही मतलब जबरदस्त लेवल है, भगवान करे ना मरूँ, क्योंकि अगर मैं मर गया तो फिर से 10 से शुरू होगा और फिर से मेरे को आर्टिफैक्ट उठाने पड़े, मतलब मेरे को नोट्स उठाने पड़ेंगे, तब जाके शायद लेवल अप होगा। अब आर्टिफैक्ट देने के बाद कितना लेवल अप होने वाला है ये मुझे नहीं पता। सो ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है गाइस, क्योंकि भाई अगर हार्ड कोर खेल रहे हो तो भाई तुम्हारे सब कुछ तो जाने वाला है। तो गाइज़ अगर आप लोगों को ये एपिसोड और ये मतलब सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो गाइज़ यार लाइक करो, हमको कुछ टिप्स दो यार, हमको कुछ बताया करो कि क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। इसके बाद क्या क्या आप लोग क्या सोच रहे हो कि अगर आप 100 डेज खेलते तो आप क्या करते, ये हमको बताओ। और हमको मतलब सब कुछ इन्फॉर्मेशन दो यार, नॉलेज बताओ कि भाई देखो नहीं हो भाई ऐसा ऐसा करो, ये ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बक्सा बना लेते हैं जिसके अंदर सारा सामान रखेंगे, क्योंकि अगर हम मर भी जाते हैं तो सामान हमारा बेस पे ही मिलेगा। बेड अभी स्लीपिंग बैग बना लेते हैं, बेड के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे बहुत सारे हाइट चाहिए, अगर वो हाइट मुझे मिल गए सही टाइम पर तो बस बल्ले बल्ले, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर लगभग हमने काम खत्म कर लिया है। ओके चलिए, यहाँ पर प्यास लग गई है भाई, पानी पी लेते हैं फटाफट फटाफट करके। और गाइस यहाँ पर अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियोस अच्छा लगा है तो लाइक करो, अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, हमारे कंटेंट एंड कमेंट्री अगर अच्छी लग रही है तो भाई सब्सक्राइब करो चैनल को और भी वीडियोस के लिए। यस मैं लाइव करने नहीं आ रहा हूँ, ये सबका सवाल है, अभी कुछ इशू चल रहा है, फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, लाइव नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं रात रात को मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ और गेम खेल के रिकॉर्ड कर लेता हूँ और सुबह जब टाइम मिलता है एडिट करके फिर आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ। थोड़ा अनकंसिस्टेंट हूँ मगर मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी करके आप लोगों के साथ फिर से मिलने के लिए। तो सी यू, फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय, सायोनारा।